Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6, today we read our science book NCERT and the chapter name is Components of Food. Yani jo hamara khana hai, usme kaun kaun se components shamil hote hain. To food hai, wo kya hota hai aur isme kya kya cheeze hum shamil karte hain. To aaj hum is chapter mein inhi ke bare mein padhenge. To padhne se pehle aap like aur subscribe karna na bhule is channel ko aur press the bell icon also. ताकि आपको आगे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के बारे में पता चले. तो आज जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अब जैसा कि हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, है ना, और सीड्स भी हम कुछ खाते हैं, फिश लेते हैं, है ना, और सी फूड हम लोग जो खाते हैं, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, तो ये सारे हमारे फूड में हम शामिल करते हैं. अब जब हमारे फूड में अगर हम शामिल करते हैं तो कौन कौन से मील्स होती है ना. जैसे कि हम खाना अगर खाते हैं तो वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. कैसे, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, है ना. तो थ्री मील दिन में होती होती है, ठीक है. तो अब इन मील्स में हम लोग क्या क्या, जो हमारा खाना है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करते हैं और उनको शामिल करने से हमें कौन से विटामिन और एनर्जी कैसे मिलती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो इन लोअर क्लासेस यू मई लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. यानी हमारी जो लोअर क्लासेस हैं, जैसा कि क्लास फिफ्थ में आपने पढ़ा होगा कि हम हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, हमें क्या चीज़ खानी चाहिए. तो जैसा कि इंडियन जो हमारा कल्चर है, और इंडियन कल्चर में तो देखिए स्पाइसेस जो मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं. लेकिन इंडिया है, उसमें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है. अब अगर अलग अलग खाना खाया जाता है लेकिन सभी खानों में जो मसाले होते हैं वो भरपूर मात्रा में डाले जाते हैं, तो वो मसाले कौन कौन से होते हैं. और अगर हम सब्जियां बनाते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और हमें ताकत मिले. तो आप देखिए जो हमारी मील होती है उसमें हम चपाती तो शामिल करते ही करते हैं. चपाती यानी रोटी, तो हर कोई अपनी चपाती यानी खाने में चपाती करता है कंटेन. दाल है, ब्रांजल कड़ी है, राइस है, सांभर है, वेजिटेबल है, भिंडी जैसा कि, है ना, आपम, जो भी फिश करी, वेजिटेबल्स, हम लोग अधिकतर खाना पसंद करते हैं. लेकिन अब जो हमारी मील होती है एट अ टाइम, हम एक साथ तो ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते. तो हमें क्या होता है, जैसा कि हम अलग अलग खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, मीट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब चीज़ें हम अपने खाने में शामिल करते हैं. और बटर मिल्क है जिसे कि छाछ बोलते हैं, आप भी कल अचार खाना पसंद करते हैं, ठीक है. तो हम जो अगर कोई भी खाना खाते हैं तो क्या वास्तव में हमें हमारे खाने में वैरायटी रखनी चाहिए. यस, हमें हमारे खाने में वैरायटी रखनी चाहिए. क्यों रखनी चाहिए, ताकि हमें वो सारे विटामिन्स उनसे मिले जो हमारे शरीर की ज़रूरत है. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू मे ईट वेयर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. और अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में आपको जो भी मिलता है आप खा लेते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम टाइम, कि ये ज़रूरी है कि हमें जो वैरायटी ऑफ आइटम होता है वो मिले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें अवेलेबल हो जाता है. There must be some reason throughout the meats usually contain such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food? Yes. Specially हमारे body जो होती है उसको अलग अलग तरीके का खाने की खाना ज़रूरी है. For example, हमें अलग अलग अगर हम food item खाते हैं तो वो food अलग अलग जो होता है वो हमारे body को अलग अलग तरीके से उनको vitamin provide करता है, हमें energy provide करता है, और अलग अलग जो integrates होते हैं वो उनको डालकर हम अपने खाने को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं. तो 1.1, जैसा कि what do different food item contain. अब जो फूड आइटम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन करते हैं. तो आपने देखा है टाइप ऑफ फूड जो होता है वो डिपेंड ऑन द लैंडस्केप एंड क्लाइमेट. अगर हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा है गर्मी वाली जगह लोग अधिकतर ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, है ना, और जो ज़्यादा ठंड वाला एरिया है वहाँ पर गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है. तो दीज इंटीग्रेट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स एंड नीड बाय आवर बॉडी. और आप ये देखिए जैसा कि अलग अलग स्टेट है, राजस्थान में
तो अलग अलग स्टेट्स के खुद के फूड आइटम्स होते हैं, खुद की पसंद होती है, वहाँ के लोगों की पसंद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाब के बारे में देखें तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग सर्दियों में खाया जाता है, ठीक है। अब इसमें राजमा है जिसे कि हम किडनी बीन्स बोलते हैं, ठीक है, वो खाना खाता पसंद करते हैं। वेजिटेबल में सरसों का साग वो खाना पसंद करते हैं जिसको कि मस्टर्ड लीफ जो होती है वो सरसों का साग कहलाता है। और अदर्स जैसा कि घी और कर्ड वो अपने खाने में बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अपोजिट साइड हम देखें तो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में क्या होता है, वो लोग रोटी जल्दी से नहीं खाते हैं, वहाँ पे तो राइस खाते हैं, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा स्टार्च जो होता है ना वो जाता है क्योंकि राइस में ज़्यादा स्टार्च होता है। अब आप ये देखिए आइटम जो होता है वो है तुअर दाल, ठीक है, और जिससे कि वो रसम बनाते हैं, ठीक है। और अगर कुंदरू है ना, कुंदरू की सब्जी वो ज़्यादा खाते हैं, और बटर मिल्क घी पिकल ऐसा कि वो अपने खाने में कंटेन करते ही करते हैं। अब कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिशन, और जो खाना हमें ताकत देता है हमारी बॉडी में है ना उसको हम न्यूट्रिशन फूड कहते हैं। अब द मेजर कंडीशंस न्यूट्रिशन आर बॉडी आर नेम कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि न्यूट्रिशन जो होता है बेटा उसके लिए क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। अब अलग अलग चीज़ें कौन कौन सी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने कहा कि न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी को चाहिए तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन में क्या क्या शामिल करते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो हमारे जो शरीर है उसमें न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो फूड आइटम जो होता है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी रोटी में मिल जाता है हमें, प्रोटीन है, और फैट्स में अगर हम बात करें तो फिश वगैरह है, मीट है, ठीक है। प्रोटीन में दालें शामिल कर लेते हैं, विटामिंस एंड मिनरल्स में हम लोग सब्जियां जो की होती हैं उनसे भी हमें मिलता है। तो जो फूड कंटेन होता है बेटा उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। अब फाइबर जो कि हमारे खाने को पचाने में बड़ी हेल्पफुल करता है। वाटर है वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। डू यू ऑल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन, क्या आपको लगता है कि ये सारा जो खाना हम खाते हैं उनमें वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मैथड वी कैन टेस्ट कुक फूड और रॉ इंटीग्रेट्स, जैसा कि हम अगर हम टेस्ट करना चाहें कि हमारे खाने में वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, तो एक टेस्ट करते हैं हम लोग, और टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर केयरिंग द टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट सोस्टिक सोडा कास्टिक सोडा जो होता है, यू विल ऑल्सो न्यू फिफ्थ ट्यूब ट्यूब एंड ड्रॉपर, यानी आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक ड्रॉपर लेना है, और टेस्ट किस तरीके से करना है, टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। आपको कच्चा खाना भी टेस्ट करना है और आपको पका हुआ खाना भी टेस्ट करना है। तो आप ये देखेंगे, आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो खाना है उसका कुछ डिफरेंट टेस्ट है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, जैसा कि आपको ये टेबल में दे रखा है, अब टेबल में आपको दिखाएंगे। यू कैन कंडक्ट अ टेस्ट इधर दीज आर एनी अवेलेबल फूड आइटम, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास ना अवेलेबल है वही आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, लेकिन आपको वो खाना नहीं है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे कोई केमिकल डाल देते हैं तो वो रिएक्शन करता है, तो हमें वो सिर्फ खाना नहीं है, हमें एक ट्यूब लेना है और कुछ ड्रॉप्स उस खाने के ऊपर डालना है। इफ यू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इज रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज विल गिव इन द बॉक्स, जैसा कि आपके टीचर आपको बताएंगे। लिस्ट देम बिगिन टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ एनी कार्बोहाइड्रेट, आपको पता चलेगा कि क्या उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के जो है तो उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे। वो कैसे, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, जो कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस तरीके से मिलेगा आपको, जो हमारी बॉडी है उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। अब जो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में आपको अगर ये मिलता है तो वी कैन इजीली टेस्ट, आपको उसको इजीली टेस्ट कर सकते हो इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च, जिसमें कि स्टार्च है, ठीक है। अब आप एक्टिविटी अगर देखें तो एक स्मॉल फूड आइटम लेना है आपको और रॉ इंटीग्रेट लेना है यानी कच्चा लेना है आपको, उसमें आप कुछ भी आयोडीन सॉल्यूशन जो है डिलाइट करके, और आप इसको फिगर नंबर 1.1 में देखिए ये रहा,
कैसे ये स्टार्च को टेस्ट कर रहे हैं. तो ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अगर वो किसी भी खाने में आइटम में चेंजेस आता है, यानी वो खाना जो है उसके कलर में कुछ चेंज आएगा तो आपको पता चल जाएगा. जैसा कि इट टर्न ब्लू टू ब्लैक, यानी ब्लू से उसका कलर ब्लैक हो जाएगा. सो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इज कंटेन स्टार्च. और जैसे ही ब्लू कलर ब्लैक में हो जाएगा, इट मीन्स इट कंटेन स्टार्च, यानी उसका मतलब है कि उस खाने में स्टार्च है. अब रिपीट दिस टेस्ट विद ऑर्डर फूड आइटम्स एंड फाइंड आउट दोज कंटेन स्टार्च. और आपको और भी टेस्ट करेंगे जिससे कि आपको पता चलता है. अब टेस्ट फॉर प्रोटीन, आपको प्रोटीन के लिए अगर टेस्ट करना पड़े तो आप कैसे करेंगे. तो स्मॉल क्वांटिटी जो फूड आइटम होता है उसको आपको लेना है. वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड. अब आपको इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और पाउडर इट. आपको या तो पेस्ट बनाना है या उसका पाउडर बनाना है. ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम बट सम ऑफ देम इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. यानी एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप खाने को लीजिए, या तो उसका पेस्ट बनाइए या उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आइए. और फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. और आप उस टेस्ट ट्यूब जो है उसमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स वाटर डाल दीजिए एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और उसको हिलाइए, शेक करिए. यूजिंग द ड्रॉपर add the drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda. yani ab jo test tube hai usme 2 drop kiske solution ke dalne hain, copper sulfate ke dalne hain, aur 10 drops aapko dalni hai caustic soda. ab jaise hi aap agar ye caustic soda dalte hain to figure 1.2 mein ye dekhiye. यानी हमने खाने को कैसे लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, पाउडर फॉर्म में लिया, उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा अगर हम डाल देते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन का टेस्ट पता चलेगा. और वो कैसे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ मिनट्स. व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू सी, आपको क्या दिखेगा, द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. यानी अब वो कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर में हो जाएगा. इट मीन्स इट कंटेन प्रोटीन, यानी उसमें क्या है, यानी उसमें प्रोटीन है. अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो इट्स इंटरेस्टिंग. यानी आपको अपने साइंस लैब में ये जाके ज़रूर करना चाहिए और अपने टीचर से हेल्प लेकर, क्योंकि विदाउट टीचर के आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, है ना. आपको कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर आपको साइंस लैब में ये जाके ज़रूर करना चाहिए. अब टेस्ट फॉर फैट. अब जो फैट होता है ना, जो कि क्या करता है, जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, जिसमें कि क्वांटिटी जो फूड होता है आपको वो लेना है फैट वाला. और आपको क्या करना है, अब वाप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. आपको एक पेपर लेना है और उस फैट को पेपर पे डाल लेना और उसको क्रश कर लेना है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर. और आपको ध्यान रखना है कि क्रश करते वक्त वो पेज फटे ना, वो पेपर फटे ना. नाउ द स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. और फिर वापस आप उस पेपर को सीधा कर दीजिए केयरफुली. डिड यू हैव अ ऑयली पैच. आपको कुछ ऑयली पैच दिखता है, येस, पेपर अगेंस्ट लाइट. और आप उसको होल्ड करके लाइट के सामने रखिए, और लाइट के सामने फ्लंटली अगर आपको कुछ दिखता है पैचेस, इट मीन्स इट कंटेन फैट. यानी इसका मतलब है उसमें फैट है. आपने ये देखा, आपकी मदर आपको अगर टिश्यू पेपर में खाना देती है और घी का पराठा दे देती है खूब सारा घी लगा के, तो क्या होगा, मम्मा ने जो घी लगाया है या जो ऑयल लगाया है वो उस टिश्यू पेपर उसे ऑब्जर्व कर लेगा. और फिर आप उसको हल्के हाथों से क्रश करिए, और फिर सनलाइट के सामने अगर आप लेते हैं उसको, लाइट के सामने लेते हैं, तो आपको एक पैचेस दिखाई देंगे ऑयल के, है ना. इट मीन्स वो फैट है. तो ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट. यानी जो पैचेस हैं ऑयल के, उनसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें फैट है. अगर आपको मैं कहूँ कि आपको द फूड कंटेन समथिंग कंटेन अ लिटल वाटर, इसमें किसमें पानी थोड़ा बहुत होता है. आफ्टर यू रब द ऑन द पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. इफ देयर इज एनी वाटर इट मे हैव सम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. यानी अब जो मैंने कहा कि आप अगर फूड में खाने पे जो टिश्यू पेपर पे अगर तेल लग जाता है, आप रोशनी में देखते हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत ऑयल दिखता है, यानी इट मीन्स वो फैट है.
लेकिन अगर आपको उस पर ऑयली पैचेस नहीं दिखते हैं, इट मीन्स उसमें कोई भी क्या नहीं है, उसमें कोई भी फैट नहीं है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या आप कुछ ऐसे टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में फैट के, प्रोटीन के, स्टार्च के? आपको ये ज़रूर करने चाहिए। सो डज अ फूड कंटेन्स मोर एंड मोर न्यूट्रिशन? डिड यू फाइंड फूड आइटम दस डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन? और अब आपको हम बताते हैं, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3, यानी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एंड फैट्स। यानी वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर दिस न्यूट्रिशन, यानी हम आपको कुछ इस तरीके से समझाते हैं, देयर आर अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म फूड बॉडी फूड आइटम। यानी हमारा जो शरीर है उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, और जो न्यूट्रिशन लेते हैं विटामिन और मिनरल्स, ये सभी खाने में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन? हमें इन सब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? इन सब न्यूट्रिशन की हमारे शरीर को प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन हमारे बॉडी ग्रो नहीं करेगी, और जो हमारे बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। रुक कैसे जाएगी? जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसको तो ज़रूर अच्छी डाइट लेनी चाहिए। सो इफ़ यू मस्ट ईट सीजनेबल फ्रूट, आपको सीजनेबल फ्रूट्स भी खाने चाहिए। यू मस्ट, क्यों? बिकॉज इट इज़ हेल्दी फॉर आर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फ्रॉम आवर बॉडी? यानी हमारे बॉडी में वेरियस न्यूट्रिशन हैं वो कहाँ से आते हैं? तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।